अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं दास्तान आर्टिफैक्ट्स। आज हम बनाएंगे स्प्रे बॉटल, करेंगे फिर से मॉडलिंग, करेंगे फिर से यूवीज, करेंगे फिर से टेक्सचरिंग और ऐड करेंगे मटेरियल्स और रेंडरिंग, तो आप लास्ट एपिसोड में देख ही लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको मैं पोजीशन कर लेता हूं जी वाई, और फ्रंट व्यू में आकर हम इसकी इमेज की सेटिंग्स में आएंगे और इसकी ओपेसिटी को 0.5 कर दूंगा और यहाँ पर ऐड करेंगे सिलेंडर ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एडिट मोड में आते हैं और हमारा मॉडल जो है उसको हम ट्रेस कर लेते हैं। जी करूँगा और जी वायर फ्रेम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो जो है वो एक्स एक्सिस में एक साइड पर है, तो हम हमारे इमेज को सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे जी एक्स करके यहाँ पर। अब मैं दोबारा से एडिटिंग मोड में आता हूँ और स्केल डाउन कर लेते हैं और जी जी यहाँ पर। अब टॉप के वर्टिसेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और जी जी मूव अप, और इसको यहाँ पर मूव कर लेंगे। अब मैं बॉटम की बेवलनेस बनाऊंगा, तो बॉटम का जो लूप है उसको मैं ऑल्ट को होल्ड डाउन करते हुए, ऑल्ट को होल्ड करेंगे और लेफ्ट माउस बटन क्लिक से मैं नीचे का लूप जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। आप चाहे वर्टेक्स एडिटिंग में हो या वर्टेक्स सिलेक्शन में हो या एस सिलेक्शन में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वर्टेक्स लूप का जो है वर्टेक्स लूप को बेवल कर लेता हूँ और स्क्रोल अप करने से यहाँ पर सेगमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसके इतने सेगमेंट्स रखूँगा और इसकी बेवलनेस रखेंगे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इसी तरह मैं टॉप का जो एज लूप है उसको भी बेवल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको बेवल कर लेता हूँ यहाँ तक, और जो टॉप से है टॉप से हम जो लास्ट वाला रिंग है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग को मैं इनेबल कर लूँगा और यहाँ से इसकी टाइप जो है उसको हम रखेंगे लीनियर पर। अब मैं इसको स्केल अप करूँगा और शिफ्ट जी प्रेस करूँगा ताकि ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल अप हो, और स्क्रोल डाउन करूँगा स्क्रोल अप करूँगा जिसके साथ इसका रेडियस बड़ा छोटा हो जाएगा, और इसको मैं स्केल अप करूँगा और मैच करेंगे हमारी रेफरेंस फ़ोटो के साथ। इसकी टाइप को हम रखते हैं शार्प, देन एस शिफ्ट जी, और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और बाकी एज लूप्स को हम हल्का सा मैन्युअली एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब मैं इसका एक लूप जो है वो सेंटर में एक्सट्रूड कर लूँगा, ई एस करेंगे इस तरह से इंक्लूड कर लूँगा, और ई जी करके अपसाइड यहाँ पर एक लूप रखेंगे और अगेन मैं कर दूँगा जी एक्सिस में एक्सट्रूड यहाँ पर। अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और एक लूप ऐड कर देंगे यहाँ टॉप पर। अब हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप फेस है उसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर टॉप फेस को मैं रिमूव कर दूंगा डिलीट फेस, और जो बॉटम का फेस है इसको हम इंक्लूड कर देंगे आई प्रेस करके इस तरह से, और इधर भी हम एक लूप यहाँ पर ऐड करेंगे और एक लूप ऊपर ऐड करेंगे ताकि हमारा टेक्स्चर जो है वो फुली फिट आए। और यहाँ पर एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ। अब चलते हैं मॉडिफायर्स टैब में, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ मॉडिफायर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, और इसका व्यू पोर्ट लेवल मैं रखूँगा 2, और आप देख सकते हैं हमारी बॉटल जो है वो बहुत ही स्मूथ नज़र आ रही है। तो अब हम बनाते हैं इसका कैप, तो कैप के लिए मैं फिर से सिलेंडर को ऐड करूँगा और इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। यहीं से मैं इसको जी में ऊपर मूव कर लूँगा यहाँ पर, और इसका स्केल डाउन कर लेंगे रेडियस एंड डेप्थ जी जी। यहाँ पर एडिट मोड में आ जाऊँगा और ऊपर का लूप जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी इमेज रेफरेंस इमेज को देखते हुए इसको मॉडल करेंगे जी जी। यहाँ पर एक हल्का सा स्टेप है, तो उस स्टेप को भी हम बनाएंगे एल के साथ कंप्लीट फेसेस, और जो है वर्टिसेस एल क्लिक करने से आपका मैश जो है वो सेलेक्ट हो जाता है शिफ्ट जी, और ऐसे मैं इसको स्केल कर लूँगा। इसी तरह
जो है ऊपर वाला लूप सेलेक्ट करेंगे और आई प्रेस करूँगा यहाँ पर, आर ई एक्सट्रूड अप, जी सी यहाँ तक, आई फिर से इंट्रूड, ई एक्सट्रूड, आई इंट्रूड एंड ई एक्सट्रूड एंड यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस साइन से इसकी सिलेक्शन लूँगा, सिलेक्शन को ग्रो करूँगा और यहाँ पर ये वाला जो रिम है फेसेस का, इसको मैं स्केल अप करूँगा एस शिफ्ट जी, क्योंकि ये रेफरेंस से थोड़ा सा छोटा रह गया है, तो इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अगेन लूप को सिलेक्ट करूँगा और आई प्रेस करूँगा इस तरह से और टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। अब सॉलिड प्रीव्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको स्मूथ कर लेते हैं, शेड स्मूथ, और यहाँ पर मैं सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करूँगा, लेवल रखते हैं 2। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो मैश है वो कम्प्लीटली स्मूथ दिखाई दे रहा है। इसमें हम शार्पनेस को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं एडिट मोड में आ जाता हूँ और टॉप का जो फेस है इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर इस एच लुक को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इस एच लुक को भी, और यहाँ पर इस एच लुक को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप वायर फ्रेम में भी आकर इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इस तरह से आपको ईजी हो जाएगा। तो इन दोनों एज लूप्स की भी मैं सिलेक्शन ले लूँगा और बॉटम का जो फेस है उसकी भी हम सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अब करूँगा कंट्रोल बी और इसका जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स ओ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसको मैं रखूँगा 1 और उसको बहुत ही कम अमाउंट पर हम बेवल करेंगे और देन मैं क्लिक कर दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शेप की वैल्यू है, शेप को हम 1 कर देंगे ताकि इसके कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर्स जो हैं वो और ज़्यादा शार्प दिखाई दें। अब एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं और इस वाले एज लुक को मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेवल करूँगा, तो कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और इसको बेवल रखते हैं इतना, इस तरह से। और अब मैं ऐड करता हूँ इसमें स्लॉडीफाई मॉडिफायर, बॉटम का फेस हम रिमूव कर देंगे और उसके साथ ही ये वाला जो एच लूप है इसको भी हम रिमूव, और इस तरह से मैं इसकी स्लॉडीफाई थिकनेस जो है उसको बढ़ा लेंगे यहाँ तक। और अब हमारा कैप जो है वो भी तैयार हो गया है, इसके साइड पर हम ड्रिंक्स जो हैं उनको बाद में ऐड कर लेंगे, तो अभी के लिए इन साइड वाला कैप जो है उसको बनाते हैं। तो यहीं से मैं एक एच लूप को डुप्लीकेट कर लूँगा शिफ्ट डी और ये डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट क्लिक करने से रीसेट पोजीशन पे चला जाता है। तो एस के साथ स्केल करूँगा और जी सी मूव डाउन कर लूँगा और ई के साथ एक्सट्रूड करेंगे और सी एक्सिस में मूव कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ बिकॉज ये इनर पार्ट जो है ये सेपरेट है और बॉटम पार्ट जो है वो सेपरेट है, तो इस तरह से मैं इसको भी सेपरेट ही बनाऊँगा। और यहाँ पर भी मैं एक एच लूप ऐड कर देता हूँ ताकि यहाँ पर शार्प अवेयरनेस बन जाए और इस एच लूप को हम फिल कर देंगे एफ़ प्रेस करके और कंट्रोल बी के साथ इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस ऐड कर देंगे। इसी तरह इसका जो टॉप का फेस है उसको मैं एक और बार एक्सट्रूड कर लेता हूँ इन साइड में और टॉप पे आ जाएंगे टॉप व्यू में और इसको अब मैं लिंक कर दूँगा इन वर्टिसेस को फ्रंट के साथ। तो यहाँ पर मैं वर्टेक्स सिलेक्शन में आ जाता हूँ यहाँ से और इन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँगा और जे प्रेस करने से इनके दरमियान एज कट ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह मैं इनमें भी ऐड कर दूँगा। जो आपने रिसेंटली फंक्शन यूज़ किया होता है उसको रिपीट करने के लिए आप शिफ्ट और भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन लूँगा शिफ्ट और एंड शिफ्ट और, इस तरह से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको जो है बना लूँगा, जॉइंट कर लूँगा और देन इसके जो फेसेस हैं यहाँ तक मैं सिलेक्शन लूँगा और इनको हम कर देंगे स्मूथ सिलेक्शन। इसकी वैल्यू को, रिपीटिंग वैल्यू को बढ़ाता हूँ ताकि ये फुली स्मूथ हो जाए और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देंगे यहाँ पर। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ी सी राउंडनेस होती है ताकि वहाँ पर हम फिंगर रख के इसको पुश कर सकें, तो यहाँ पर मैं अब राउंडनेस बनाऊँगा। तो राउंडनेस बनाने के लिए मैं इसके सेंटर एज लूप को यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, फ्रंट से भी इस वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इनेबल करेंगे और कनेक्टेड ओनली को इनेबल कर लेंगे और यहाँ पर स्फीयर जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे।
अब मैं GZ करूँगा तो ये मूव डाउन होगा और सेंटर से बेवल्ड होगा। तो साइडों पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो इसको स्मूथ करने के लिए आप यहाँ पर इसकी प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्मूथ पर रख देता हूँ, तो स्मूथ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मूथ S बनता है। तो GZ मूव डाउन करेंगे और स्केल अप कर लूँगा लाइटली, और इसको हम यहाँ पर मूव कर लेंगे इस तरह से। और जो इसका कंप्लीट लूप है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा C के साथ। C प्रेस करेंगे तो आपकी ब्रश सिलेक्शन जो है इनेबल हो जाएगी, इस तरह का एक सर्कल आ जाएगा। इसको स्क्रोल अप एंड डाउन करके आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट कर लूँगा और राइट व्यू में आकर हम इसको रोटेट कर लेंगे। तो रोटेट से क्या होगा, यहाँ पर हमारे एजेस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक टूल यूज़ करूँगा शेयर वाला, इससे मैं इस एक्सिस में ऐसे इसको स्केल अप करूँगा ताकि ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा फ्रंट से अप हो जाए और बैक से डाउन हो जाए। अब मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो शेप है वो कम्प्लीटली सेम बन गई है। इसको थोड़ा सा मूव अप कर लेते हैं यहाँ पर, और अब हम बनाते हैं इसका फ्रंट होल। तो फ्रंट होल के लिए यहाँ पर मैं सेगमेंट्स ऐड करूँगा कुछ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और एक सेगमेंट यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर सेंटर में हमें 4 फेसेस चाहिए होते हैं जिससे हम एक सर्कल को इंट्रूड कर सकें। तो इस सेंटर वाले वर्टिसेस को मैं सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड कर लूँगा। अब हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड करते हैं एक सर्कल और सर्कल के वर्टिसेस को रखूँगा मैं 8 और इसको स्केल डाउन कर लेंगे यहाँ पर और रोटेट एक्स कर लूँगा 90। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 8 वर्टिसेस हैं, और अगर हम हमारे मेन पार्ट पर कैप पर देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास 4 फेसेस हैं, मीन्स साइडों पर हमारे पास 8 वर्टिसेस हैं। तो इन फेसेस को मैं रिमूव कर दूँगा और इनको लिंक कर देंगे इस रिंग के साथ। तो इसको लिंक करने के लिए मैं एज सिलेक्शन में आऊँगा और राइट क्लिक करेंगे ब्रिज एज लूप्स। इससे क्या होगा, हमारे जो एजेस हैं वो ब्रिज्ड हो जाएंगे सर्कल के साथ। और यहाँ पर मैं इसको इजीली बना सकता हूँ इसका स्प्रे कैप। तो इस कैप को मैं सेपरेट कर लूँगा बिकॉज इस पर मुझे स्लॉडीफाई मॉडिफायर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट सिलेक्शन, और देन यहाँ पर स्लॉडीफाई मॉडिफायर को मैं हाइड कर दूँगा, सॉरी। तो यहाँ पर मैं इस कैप की सिलेक्शन को सेपरेट कर लूँगा बिकॉज इस पर मुझे स्लॉडीफाई मॉडिफायर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा L प्रेस करके और P क्लिक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे सेपरेट सिलेक्शन। अब ये हमारा सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर स्लॉडीफाई मॉडिफायर को रिमूव कर देंगे और देन इसकी एडिटिंग में आएंगे और यहाँ पर इसका सर्कल जो है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ES करेंगे, इसके साथ ये एक्सट्रूड होगा इनसाइड में, और अगेन ES, और इसको बिल्कुल छोटा सा कर लूँगा मैं, देन ES और E करूँगा Y एक्सिस में, यहाँ पर EY और यहाँ तक। अब ये वाला जो मैंने यहाँ पर रिंग छोड़ा है इसको भी हम एक्सट्रूड कर देंगे इनसाइड में यहाँ पर, और कंट्रोल R करके मैं यहाँ पर साइडों से भी शार्प एज कर दूँगा और इनसाइड से भी शार्प एज कर देंगे। अब मैं इसको शेड स्मूथ करूंगा और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रे का होल बन गया है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। ज्वाइन आवर फेसबुक दवाखाना। जी हाँ, सही सुना आपने, आप शेयर कर सकते हैं ब्लेंडर प्रॉब्लम्स फेसबुक दवाखाना में, हम आपको देंगे सॉल्यूशन कमेंट्स में। तो फेसबुक दवाखाना ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी सिलेक्शन लूँ और कंट्रोल प्लस के साथ इसको स्केल अप करूँ, सॉरी प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर इसको स्केल अप कर लेते हैं यहाँ तक, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्प्रे ऑयल बना लिया है। अब मैं इसका कैप बनाऊँगा, ऊपर वाला ग्लास कैप। तो ग्लास कैप के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा एक और सिलेंडर ऑब्जेक्ट, तो सिलेंडर ऑब्जेक्ट ऐड कर लेंगे और ये हमारा थोड़ा सा आगे है तो इसको हम रीसेट पोजीशन पे कर लेंगे। Alt और प्रेस करने से ये रीसेट पोजीशन पर आ जाएगा और इसको GZ यहाँ पर मूव अप कर लेंगे। और अब मैं इसकी करता हूँ एडिटिंग, एडिट मोड में जाकर
और इसका स्केल रखेंगे इतना एस जी, और यहाँ पर मैं बॉटम के वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा और ई एस स्केल अप करूँगा और ई जी कर देता हूँ यहाँ तक, और इसी तरह टॉप का लूप सेलेक्ट करूँगा और रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको हम फिल कर देंगे कंट्रोल बी, यहाँ पर बेवल कर देंगे इतना सा, और अब मैं ऐड कर देता हूँ इस पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, राइट क्लिक करेंगे शेड स्मूथ कर देंगे और इसका जो सेंटर फेस है उसको हम इंक्लूड कर देंगे एक वन टाइम, और यहाँ पर जो एज लूप्स हैं दो हमारे उनको भी मैं बेवल कर लूँगा कंट्रोल बी, और लाइट सब बेवल रखेंगे ताकि ये ज़्यादा शार्प दिखाई दे, और कंट्रोल आर करके यहाँ पर भी मैं एक एज लूप ऐड कर दूँगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बॉटम का फेस है उसको मैं रिमूव कर दूँगा डिलीट फेस, और यहाँ पर स्लॉडिफाई मॉडिफायर ऐड कर देंगे, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, और लीजिए हमारा कैप भी रेडी है। अब हम देते हैं इसको मटेरियल, तो यहाँ पर सॉलिड व्यू में आ जाता हूँ और चलते हैं शेडिंग एडिटिंग टैब में, और यहाँ पर इस पर हम मटेरियल्स ऐड करते हैं, तो कैप से स्टार्ट करूँगा, तो इसको रीनेम भी हम प्रॉपरली साथ ही कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रीनेम करता हूँ ग्लास कैप, और यहाँ पर मटेरियल्स टैब में आएंगे और यहाँ पर मैं न्यू मटेरियल बनाता हूँ ग्लास कैप, और यहाँ पर इसका कलर जो है उसको मैं वाइट रखूँगा, ट्रांसमिशन को वन कर देंगे, और यहाँ पर रेंडरिंग प्रीव्यू को भी इनेबल कर लेते हैं, रेंडर इंजन को रखेंगे साइकल्स पर, और डिवाइस को कर लेते हैं जीपीयू पर, और नॉइस थ्रेशोल्ड जो है इसको मैं कर लूँगा 0.01, और डिनोइसर को इनेबल कर लेते हैं, और यहाँ पर रेंडरिंग प्रीव्यू को ऑन कर लूँगा। एक एसटीआर हम इनेबल कर लेंगे यहाँ से स्टूडियो एसटीआर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो क्लास है वो बहुत ही ब्लरी नज़र आ रहा है, तो इसकी रफनेस को हम ज़ीरो करेंगे, फुली ज़ीरो नहीं करेंगे 0.03 रख लेंगे ताकि ये थोड़ा सा रफ़ दिखाई दे, बिकॉज़ ये एक प्लास्टिक ग्लास है तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी हम रफनेस रखेंगे, और इसका जो कलर है उसको हम प्योर वाइट कर लेंगे। अब मैं इनसाइड वाला कैप सेलेक्ट करता हूँ और उसको रीनेम करते हैं स्प्रे कैप, इस पर भी मैं न्यू मटेरियल ऐड करूंगा और इसको रीनेम करते हैं ब्लैक प्लास्टिक, कलर कर देंगे ब्लैक, रफनेस रखूंगा 0.1, स्पेकुलैरिटी को करेंगे 0.8, और इसी मटेरियल को मैं कॉपी कर लूंगा बॉटम वाले पार्ट पर, तो सेम मटेरियल को कॉपी करने के लिए पहले मैं इसको रीनेम कर लेता हूं प्लास्टिक कैप, और स्प्रे कैप से हम मटेरियल को कॉपी करेंगे, तो शिफ्ट के साथ मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, लास्ट पे जो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव होगा वहां से ही मटेरियल जो है कॉपी होगा, तो कंट्रोल एल करूंगा और लिंक मटेरियल कर देंगे इस तरह से, और अब मैं इस बॉटल का मटेरियल बनाऊंगा, तो यहां पर हम न्यू मटेरियल ऐड करते हैं और इसको रीनेम करते हैं बॉटल सॉरी एंटी हेयर फॉल बॉटल, और इसका जो कलर है उसको हम कर देंगे ब्लैक, इसी तरह इसकी रफनेस जो है उसको मैं करूंगा 0.1, स्पेकुलैरिटी को 0.7, और यहाँ पर एक मिक्स शेडर ऐड करेंगे लेबल को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर मैं शेडर मिक्स शेडर ऐड कर लूँगा, और यहाँ पर एक प्रिंसिपल शेडर भी ऐड कर लेंगे, और एक टेक्सचर ऐड कर लूँगा जिसमें हम अपना लेबल जो है ऐड कर लेंगे, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ लेबल, और इस लेबल की जो कलर है कलर आउटपुट को हम दूसरे प्रिंसिपल शेडर के बेस कलर में लिंक कर देंगे, और प्रिंसिपल शेडर को शेडर के मिक्स शेडर के दूसरे स्लॉट में ऐड कर देंगे, और जो है हमारा अल्फा उसको हम लिंक कर देंगे फैक्टर के साथ। अब मैं यहाँ पर यूवीज़ में जाऊँगा और इस टेक्सचर की हम एडिटिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं यूवीज़ टैब में आ जाता हूँ और इसको मिडिल माउस बटन ड्रैग के साथ मैंने उसको इस साइड पर आप ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से,
और यहाँ पर मैं इनेबल कर लेता हूँ मटेरियल प्रीव्यू, और रेफरेंस फ़ोटो को हम हाइड कर देंगे और चलते हैं बैक व्यू में। बैक व्यू कंट्रोल नंपैड 1 से आप बैक व्यू में आएंगे और इसका जो सेंटर एस लूप है उसको मैं ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा, सॉरी एस सिलेक्शन में आ जाएंगे और एस सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ई करेंगे, मार्क सीम ऐड कर देंगे और फ्रंट व्यू में आऊँगा और सेलेक्ट करते हैं वो वाले फेसेस जहाँ पर हमारा लेबल आएगा, तो उन फेसेस की मैं सिलेक्शन ले लूँगा और यू करेंगे अनरैप। इस तरह से ये अनरैप हो जाएगा और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट 90 और जी एक्स स्केल डाउन, और इसको फिट कर लेते हैं हम हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जी। ओ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक्स सेंटर्ड कर लेंगे कंट्रोल स्पेस के साथ, आप फुल विंडो कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं यहीं पर कंट्रोल आई प्रेस करूँगा और इन्वर्स सिलेक्शन कर लेंगे और बाकी के तमाम फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा उसकी यूवीज़ को, और स्केल डाउन करके हम कर लेंगे उनको पीएनजी एरिया में ट्रैक, बिकॉज वहाँ पर हमने प्लास्टिक मटेरियल ऐड करना है, तो इस वजह से। अब हम बनाते हैं हमारे कैप्स की रिंग्स, तो यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगा क्यूब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्यूब ऐड कर लेते हैं, राइट व्यू में आ जाऊँगा और एडिट मोड में चलते हैं और क्यूब को मैं रखूँगा यहाँ पर स्केल डाउन यहाँ पर, और इसका जो टॉप वर्टिसेस हैं उनको मैं ट्रैक कर लूँगा ऊपर इस साइड पर, और इसका इस वाले एजेस को वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँगा और बेवल कर लेंगे कंट्रोल बी के साथ। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ सिंपली, और कहीं पर भी आपने क्लिक नहीं करना, यहाँ पर ऑप्शंस में आएंगे, शेप को मैं कर लूँगा 0.5 पर और विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ तक, और इसके सेगमेंट्स जो हैं इनको मैं बढ़ा लूँगा 3 कर लेंगे, और देन मैं इसके बैकवर्ड के जो फेसेस हैं अगर मैं इसको फॉलो करूँ स्लैश प्रेस करके और सॉलिड प्रीव्यू में आ जाएं, और यहाँ पर जो इसके बैक और बॉटम का फेस है इसको मैं रिमूव कर दूँगा बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए, ये इनसाइड में कैप के साथ ही मर्ज हो जाएगा, तो एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं और सोलो को ख़त्म करते हैं, शेड स्मूथ कर दूँगा राइट क्लिक करके, और यहाँ पर अब मैं इसको अरे मॉडिफायर ऐड करूँगा क्योंकि हम इसको डुप्लीकेट करेंगे मल्टीपल्स टाइम, तो यहाँ पर मैं ऐड मॉडिफायर्स करूँगा अरे मॉडिफायर, और यहाँ पर नेटिव ऑफसेट का ऑप्शन इसको अनचेक कर देंगे, ऑब्जेक्ट ऑफसेट को इनेबल कर लेंगे, और यहाँ पर हमने लिंक देना है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड कर लूँगा, ऐड करते हैं यहाँ पर एम्प्टी और प्लेन एक्सिस। अब मैं दोबारा से इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैं आई ड्रॉपर पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं यहाँ पर हमारा माउस लेके आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MT.001 का एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसकी हम काउंट वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, और देन अगर मैं यहाँ पर हमारा जो MT है उसको रोटेट करूँ रोटेट C, तो यहाँ पर हमारी कॉपीज़ जो है वो ऑल अराउंड द कैप बन जाएंगी, फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और इसको रीस्केल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस पर सब डिवीजन मॉडिफायर भी ऐड कर लूँगा, तो इसको टॉप पर ले आते हैं और इसमें मैं सेगमेंट्स ऐड करूँगा कुछ, दोबारा से इसको सोलो कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक एज लूप को इस डायरेक्शन में लिंक कर दूँगा कि कैसे आप नाइफ टूल यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करते हैं, और इसी तरह दूसरी साइड पर के, और इस तरह से मैं लूप ऐड कर दूंगा, और इसी तरह स्टार्ट से लेकर लास्ट तक यहाँ तक एक ऐड कर देंगे लूप, और इधर से भी मैं इसी तरह कट ऐड कर दूंगा, के प्रेस करेंगे और देन यहाँ से इस वर्टेक्स के साथ लिंक कर देंगे। अब इसको शेड स्मूथ कर लेंगे और इसका रेंडरिंग वैल्यू लेवल जो है उसको भी मैं 1 कर लूँगा बिकॉज हमने ज्योमेट्री को हाई नहीं करना है, इस पर हमारा जो रेंडरिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और अब मैं इसको कर लेता हूँ और ज़्यादा बारीक, तो सिलेक्शन लेंगे तमाम वर्टिसेस की और एस एक्स कर लेंगे
ताकि ये और ज़्यादा बारीक हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन कर लूँगा, सॉरी स्केल कर लूँगा, और जो हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए उसको कंट्रोल करते हुए, रोटेट करते हुए हम इसका डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस मैं रखूँगा इतना। अब मैं यहाँ पर इस क्यूब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इन रिंग्स को, और यहाँ पर इसकी काउंट वैल्यू को बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। और अभी लास्ट जो हमारी रिंग है, रिंग है, उसको भी मैं फिक्स कर लूँगा। तो यहाँ पर एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे, रोटेट जी करेंगे और शिफ्ट को होल्ड करूँगा और इनको इक्वल डिस्टेंस पर ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो कैप है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अगेन शेडिंग टैब में और यहाँ पर रेंडरिंग प्रीव्यू को मैं इनेबल करता हूँ। और अब हम इस पर भी कैप का मटेरियल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिस्ट में आ जाता हूँ और ब्लैक प्लास्टिक मटेरियल को ऐड कर देता हूँ इस सब्जेक्ट पर। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कूल हमारा प्लास्टिक का मटेरियल बन गया है, कैप का भी और बॉटल का भी। तो कैप का जो मटेरियल है उसकी रफनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, तो इसको हम 0.18 कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो लेबल है उसके मटेरियल की भी हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर उसका शेडर मैं सेलेक्ट कर लूँगा और रफनेस जो है इसकी कम करेंगे, 0.3 कर देता हूँ। और यहाँ पर हम SDR को रोटेट भी कर सकते हैं। तो SDR को रखता हूँ मैं इस पोजीशन पर ताकि मुझे सही एंगल से रिफ्लेक्शंस नज़र आएं। और हमारा मॉडल कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम करते हैं इसकी व्यू पोर्ट एडजस्टमेंट्स। तो चलते हैं लेआउट एडिटर में यहाँ पर, और इसको हम कर देंगे अप्लाई। यहाँ पर जो रिंग है इसका रे मॉडिफायर हम अप्लाई कर देंगे और इसको हम लिंक कर देंगे, सॉरी इसको रीनेम कर देंगे टेन ग्रिप। और यहाँ पर बाकी लेयर्स को भी चेक कर लेते हैं। एम्प्टी को हम रिमूव कर देंगे और इस सिलेंडर को रीनेम कर लेते हैं एंटी एयर फॉग बॉटल। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, ए प्रेस करूँगा तो इससे तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो मेरी बॉटल का ऑब्जेक्ट है उसको मैं लास्ट पर सिलेक्ट करूँगा ताकि वो एक्टिव रहे। और अब मैं करूँगा कंट्रोल पी के साथ कीप ट्रांसफॉर्म कर देंगे ताकि ये बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसी ऑब्जेक्ट के साथ पैरेंट हो जाएं, और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूं तो बाकी ऑब्जेक्ट्स भी इसके साथ मूव हो। तो अब करते हैं इसकी व्यूपोर्ट शेडिंग। तो यहाँ पर मैं व्यूपोर्ट डिस्प्ले में आ जाता हूं और इसका कलर करेंगे ब्लैक, रफनेस को कर देता हूं 0.2, और कैप को सिलेक्ट करेंगे, कलर कर देंगे वाइट, अल्फ़ा को करेंगे 0.5, टैली को बढ़ा लूँगा, रफनेस को डाउन करेंगे 0.1 पर। और इसी तरह ब्लैक प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसको भी मैं ब्लैक कर लूँगा और इसकी रफनेस करते हैं 0.3। और लीजिए हमारी शेडिंग भी हो चुकी। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और शेयर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।